वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। होली आने वाली है इसलिए होली मुबारक हो। एंड मैं फिलहाल हूँ घर पे अकेला क्योंकि पूजा एंड कियान गए हैं छुट्टियों पे घूमने, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके हैं तो ये बेस्ट टाइम ऑफ द छुट्टी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि कोई पेरेंट को उनको बोल नहीं सकता कि पढ़ाई कर ले, क्योंकि अब तो नया सेशन जब शुरू होगा तब पढ़ाई होगी। एंड उसी तरह लोग हम जो घर पे रह जाता है, खासकर मर्द लोग शादीशुदा, उनको तो है क्या बात है, मज़े हैं तेरे, तू तो सिंगल बैचलर है। बट वो अपना बैचलरपन जो है वो सिर्फ नाम का, क्योंकि लाइफ जो है अभी फ़िलहाल पूरे हफ्ते जो थी वो ऑफिस घर। तो क्या बैचलर क्या मैरिड, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिलहाल अभी मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट एंड आज वीकेंड पे देखते हैं क्या करना है। सो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है, एंड डिफरेंट इसलिए क्योंकि कल से आईपीएल मैच शुरू हो चुके हैं एंड आज है किंग्स इलेवन और दिल्ली का मैच। इस मैच के कुछ स्पेशल रीजन है, जो कि है ये मैच होने जा रहा है पंजाब के एक नए स्टेडियम में, जो कि है महाराजा यादविंदर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और ये अपना आज पहला मैच होस्ट करने वाला है जो कि है आईपीएल का। तो ये है बेस्ड मुल्लांपुर में, जिसे न्यू चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। एंड सेकेंड खास चीज है आज के मैच की, वो है पंत की वापसी आफ्टर 15 मंथ्स एक्सीडेंट के बाद। अब आईपीएल से वापसी करने वाला, सो मैं भी बस स्टेडियम की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा ये स्टेडियम है। जितना मुझे पता है स्टेडियम का रास्ता पहले तो बहुत खराब था, तो अभी देखते जाते जाते कि क्या स्टेडियम के रास्ते की सिचुएशन है। सो मैंने जो रास्ता पकड़ा है वो है खरड़ से ओमैक्स की तरफ न्यू चंडीगढ़, जहाँ पे ये मुल्लांपुर में क्रिकेट स्टेडियम बेस्ड है। सो ये वैसे तो ये रास्ता काफ़ी चौड़ा है, खुला है, बट इसमें सर्टन पैचेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। इवन जो स्टेडियम के पास वाली रोड थी वो अभी कुछ टाइम पहले तैयार हो रही थी एंड यही है, जैसे अभी बिल्कुल सही सड़क थी एंड एकदम सही है टूटी फूटी सड़क, एंड उसके बाद थोड़ा और पोर्शन ख़राब आता है। तो यही थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है आने वाले मैचों में, अगर आप कोई नेक्स्ट मैच प्लान करते हैं टूवर्ड्स दिस स्टेडियम। सो अगर आप इस रोड से आ रहे हैं तो थोड़ा गाड़ी को आराम से चलाएं। सो टू माय सरप्राइज, पहले हम यहाँ से राइट लिया करते थे, बट अब ये शायद इन्होंने ये वाला पोर्शन खोल दिया, वरना ये राइट से रास्ता जाता है टूवर्ड्स मुल्लांपुर। बाकी अभी ये वाला रास्ता भी बन रहा है, बट ये है, चलो लेट्स सी कैसा है ये रास्ता, क्योंकि उस तरफ से अगर हम राइट से जाते वहाँ से तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये एटलीस्ट ये है कि ये लेवल्ड अप तो है, मतलब उगड़ खाबड़ टूटा बच्चा तो नहीं है फिलहाल अभी तक। मतलब वैसे ये आगे काफ़ी रोड बनी पड़ी है, बट ये कि उसमें पोर्शन था जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया था। बट मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि अगर आज मैच होस्ट किया है तो कुछ काफ़ी हद तक इन्होंने रोड रेडी कर दिए। सो गुड न्यूज़ फॉर पीपल लिविंग इन चंडीगढ़ खरड़ मोहाली, कि अगर आप इस रोड से जाते हैं तो ये इतना सा पोर्शन था, तो पहले यहाँ से चौकी से घूम के वहाँ से निकल के यहाँ कनेक्ट होती थी, अब तो आगे रोड सही है। सो ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि वही मैं सोच रहा था अगर मैच होस्ट किया तो सड़क तो आपको टीम को लेके आना है, बहुत सारे गेस्ट आने हैं, काफ़ी लोग आने हैं, तो सड़क तो अच्छी चाहिए आपको। सो अच्छी न्यूज़ है, फाइनली अच्छी सड़क देखने को मिली है। बहुत टाइम लगा सड़क को बनने को, थैंक्स टू आईपीएल, वरना ये शायद लटकी रहती सीरियसली। जब कुछ ओकेजन आता है ना यहाँ पे तभी गाँव होते हैं, वरना चीज़ें लटकी रहती हैं। मुझे काफ़ी साल हो गए इस रोड से जाते हुए एंड अब जाके ये रेडी हुई है। रास्ता एकदम साफ है, खिलाड़ियों को देखने के लिए दर्शक अभी रास्ते में हैं, पर काफ़ी रास्ता पहले से बेहतर हो चुका है, सड़क बन चुकी है, थोड़ी सी कमी पेशी है, लेकिन अभी मैदान में नहीं पहुंचे हैं। अभी जब मैं आ रहा था इतना ट्रैफिक मैंने आज तक इस रास्ते में कभी नहीं देखा, तो होपफुली हमारे को जगह मिल जाए एंड लेट्स सी। बाकी हम तो पंजाब के सपोर्टर्स हैं, मैं वैसे भी जब मैं हिमाचल में भी था तब भी मैं पंजाब का सपोर्टर था, बट यह है कि पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की टीम है तो हम वैसे ही सपोर्ट करेंगे उनको। और आज उनका नया वेन्यू भी है धर्मशाला को छोड़ के, ये उनका नया होम ग्राउंड है न्यू चंडीगढ़, मुल्लांपुर बोलते हैं। सो ये रे पास में खेत और वो रहा नया स्टेडियम महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो आज अपना पहला मैच होस्ट करने वाला है आईपीएल का।
हमारी किस्मत अच्छी रही कि हमारे को एंट्रेंस मिल गई है, वरना मोस्टली मैचेस में वही होता है कि जब तक आप पहुँचते हैं अगर आप लेट हो तो एंट्री बंद हो जाती है। हमारी किस्मत लक्की टिकट रही हमारे लिए, बाकी जगह कहाँ मिलती है वो देखते हैं। टिकट की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे उन्होंने QR चेकर रखा हुआ है, जिससे पता चलेगा आपकी टिकट असली है या नकली। ये हम पहुँच गए अंदर। सो महाराजा यादविंदर सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये पड़ता है चंडीगढ़ के पड़ोस में, जिस जगह का नाम है मुल्लापुर, एंड ये अप्रॉक्स 19 किलोमीटर्स है फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़, जिसको कवर करने में आपको अप्रॉक्स 30-40 मिनट्स लगने चाहिए दिन के टाइम पे। एंड इस स्टेडियम की अनाउंसमेंट हुई थी 2010 में, सो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद ये स्टेडियम रेडी हुआ है एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर मैच जो यहाँ पे हो रहा है स्टार्टिंग विद IPL। एंड ये स्टेडियम प्रोवाइड करता है कैपेसिटी ऑफ 38,000 सिटिंग। मैच देखने आए हैं तो पंजाब मैच जीत गई है, उनके लिए नया होम ग्राउंड लक्की साबित हुआ है। एंड देखते हैं आगे IPL का सीज़न कैसे जाता है। और यहां तक अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और सर अब तो कुछ हड़ा है, मुझा भी नहीं है। ये ऐसे दोस्तों से सावधान रहें, क्या प्लान है अब इसके बाद? ऐसे दोस्तों से सावधान रहें, सतर्क रहें। ये मैं अभी छड़ा हूँ, कहीं ऐसे प्लान बनाते बनाते वो छड़े से चिड़ी होगी ना तो इसने तेरी चिड़ी भी उड़ा देनी। छड़े से छड़ी मिल गई, उसने तेरी चिड़ी भी बनानी और मेरी चिड़ी भी बनानी है। बालों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है।
जो थोड़े बहुत आज मेरे आने से किंग्स इलेवन जीत गई मैच उनको पता चला, प्रीति जिंटा को पता चला कि वो प्रीति सा एक लड़का आया करता था धर्मशाला में बहुत साल पहले, वो अब थोड़ा बूढ़ा हो गया है। बाय। यहाँ पूरा चुक, अब जब जब मैच होगा तब जाम होगा अंटिल और अनलेस इसको थोड़ा नहीं अंटिल और अनलेस थोड़ा इसको और बेटर किया जाए। कंसीडरिंग आज ये फर्स्ट मैच है तो चलो ठीक है, बट बहुत काम की ज़रूरत अभी भी। अभी 100 क्यों ज़्यादा ट्रैफिक खुला यार।